हेलो दोस्तों, नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रीम वन रैंक वन। दोस्तों, ड्रीम इलेवन में रैंक नहीं आने के मुख्य कारण बताता हूं मैं आपको, क्या है जिनकी वजह से रैंक नहीं आती है, और वो कारण के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। जी हां दोस्तों, आप खुद आगे रह के ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिस वजह से आप ड्रीम इलेवन में ना तो रैंक ला पा रहे हैं ना पैसा कमा पा रहे हैं। उसकी मुख्य वजह आप समझिएगा और वो गलती आप करना बंद कर दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट और पहला जो तरीका है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन दोस्तों आप मैच के लिए प्रिडिक्शन देखते हैं। मान लीजिए कि भारत ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच है और कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले आप कोई प्रिडिक्शन देखते हैं और 100 तरह के यूट्यूब पे वीडियो होते हैं मैच से जुड़े हुए। हम प्रिडिक्शन देखते हैं, अच्छी बात है, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है टीम बनाने में, ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों के 50 तरह के यूट्यूबर के 500 वीडियो देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रिडिक्शन का वीडियो 15 मिनट से 25 मिनट के बीच का है हर यूट्यूबर का, जिसमें आपको समझाया गया है टीमों के बारे में। अब आप क्या करते हैं, एक वीडियो 2 मिनट का देख लिया, एक वीडियो 6 मिनट का देख लिया, एक वीडियो पूरा देख लिया, कुछ और वीडियो थे आपने 2-2, 4-4, 8-8 मिनट के देख लिए, स्किप कर करके देख लिए। तो उससे आपको जो बारीक ज्ञान मिलना चाहिए था उस मैच में टीम बनाने के लिए, वो ज्ञान मिलेगा नहीं। आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस वीडियो में तो ये बल्लेबाज कप्तान था, उस वीडियो में उस बल्लेबाज को कप्तान बनाया जा रहा है, यहाँ ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है, वहाँ पे बॉलर को वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है। तो आप इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी एनालिसिस प्रेडिक्शन के द्वारा मिल सकती थी यूट्यूब वीडियो से, वो आपको पूरी तरह से मिलेगी नहीं, और आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे और अपनी टीम में गड़बड़ करेंगे जब अपनी टीम बनाएंगे। पहला कारण, यूट्यूब पे एनालिसिस प्रेडिक्शन की जब वीडियो देखते हैं मैच संबंधित, 1, 2 या 3, इससे ज़्यादा ना देखें और पूरे देखें, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे और पहुँचाते हैं। दूसरा कारण दोस्तों, जो हम हमेशा गलती करते हैं, टॉस। दोस्तों मैच के लिए जो टॉस होता है, टॉस के बाद अब तो 5-7 प्लेयर चेंज कर देंगे, या फिर अपना कप्तान वाइस कप्तान चेंज कर देंगे, या फिर बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप अपनी टीम क्रिएट कर लेते हैं, टॉस हो जाता है, तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यही देखना है कि पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बदलाव होते हैं तो आप 1 या 2 प्लेयर को चेंज कर सकते हैं अपनी टीम में, या फिर कप्तान वाइस कप्तान में कभी कभी होता है कि आप चेंज कर सकते हैं इतना। बिल्कुल ये ना करें कि टॉस के बाद अगर ज़रूरत है तो भी आप अपनी टीम में बदलाव नहीं कर रहे हैं, और ये भी ना करें कि टॉस के बाद आप बहुत सारे प्लेयर चेंज कर दें। तो उससे भी दोस्तों आपका जो एक तालमेल, या जो आपने इतनी सारी एनालिसिस या इतनी सारी चीज़ों को सम्मिलित करके अपना स्किल्स के द्वारा जो टीम बनाई है, टॉस के तुरंत बाद आप उस टीम को भी गड़बड़ कर दें। बहुत सारे यूज़र्स ये ज़्यादातर करते हैं, तो आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इस तरह गड़बड़ी कर रहे हैं तो ये भी करना बंद कर दें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, जो हर यूज़र्स गलती कर रहा है, जो भी ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहा है, उसको ये जानना जरूरी है। अब समझिएगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट, दोस्तों टेलीग्राम में टीम, हर यूज़र ये चाहता है दोस्तों कि उसको पकी पकाई बनी हुई टीम टेलीग्राम पे परोस दी जाए, और वो टीम सेलेक्ट करके और अपनी टीम बना ले और उसकी रैंक आ जाए। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गारंटेड के टेलीग्राम पे जो टीमें आपको अवेलेबल कराई जाती है, उसके भी 8-9 प्लेयर ही ड्रीम टीम में बैठते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर ऐसा हो भी जाएगा, मान लीजिए आपने किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है और उस पर आपको ड्रीम इलेवन के लिए टीम दे दी गई है, 100% वो टीम ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक पर आ भी गई, तो दोस्तों अगर वहाँ पर 10,000 टेलीग्राम यूज़र ने उस टीम को लगाया तो वो रैंक वन आएगी कैसे, आप कुछ सोचिएगा। तो रैंक वन तो उसका आना किसी भी तरह से निश्चित है ही नहीं, ये आप समझ के चलिएगा। और 100% ऐसी कोई टीम टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं कराई जाती है, चाहे उसके लिए आपसे पैसा लिया जाए नहीं लिया जाए। दोस्तों सीधी सीधी बात यही है कि आप प्रेडिक्शन हुआ, टॉस हुआ और टेलीग्राम चैनल पर टीम हुई, बहुत ज़्यादा इन तीनों चीज़ों में अगर आप नहीं घुसेंगे
तो आप अच्छी टीम बना पाएंगे, रैंक ला पाएंगे और आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। लेकिन आप अगर लगातार हर मैच के लिए 10-10, 20-20, 30-30 तरह के वीडियो, 8-8, 10-10 यूट्यूबर के वीडियो, तो उसके बाद या तो बिल्कुल आप चेंज नहीं करते हैं टीम में एक आध प्लेयर का भी, जहां भी जरूरत पड़ती है कि एक या दो प्लेयर चेंज होना चाहिए, एक भी नहीं करते हैं, या फिर आप 4-5-6 प्लेयर चेंज कर देते हैं, तो ये भी आप करना बंद करिए। तो उसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने आपको बताया, टेलीग्राम टीम। दोस्तों टेलीग्राम टीम आती है, अच्छी आती है, जैसा मैंने बताया 8-10 प्लेयर तक भी बैठ जाते हैं कई बार, जब 11 की ड्रीम टीम बनती है जब 10 तक भी बैठ जाते हैं, ये बात अच्छी है, मानने लायक है और होता भी है। लेकिन आप 100 तरह की ड्रीम 11 पे जो टीम आई है उसको टेलीग्राम पे आपको परोस दिया गया है, वो आपने बना ली, उससे रैंक आएगी नहीं, तो उसके आप ज़्यादा चारे लगे नहीं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, ध्यान रखिए।